नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके फोन में जो गैलरी है और गैलरी में जो फोटो और वीडियो है कहीं हैक तो नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपकी फोन की गैलरी की फोटो और वीडियो हैक हो सकती है और वो भी बड़े आसानी से। आपकी फोन की गैलरी की फोटो और वीडियो हैक करके वो व्यक्ति अपने फोन में आपकी फोन की फोटो और वीडियो को देख सकता है और साथ ही उसे डाउनलोड कर सकता है और सोशल मीडिया पे शेयर भी कर सकता है। सोशल मीडिया पे शेयर करने से पहले आपको वो व्यक्ति ब्लैकमेल भी कर सकता है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपकी सोशल मीडिया अकाउंट से या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट से आपकी ईमेल आईडी लेकर आपको एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। आप उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट समझ के एक्सेप्ट कर लेते हैं। उससे आपकी सारी फोन की गैलरी की फोटो और वीडियो हैक हो जाती है और वो अपने फोन में उसे देखते हैं और साथ ही यदि वो चाहे तो उसे कहीं और भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल वाला आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपका पैसा नहीं लगता है लाइक करने में, इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं अपने चैनल पर मोबाइल से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो बनाता हूँ। अगर आपके फ़ोन में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों आप सभी के फ़ोन में एक पहले से ऐप होती है गूगल फोटोज, आपके भी फ़ोन में ये ऐप होगा। आप उसे ढूंढकर उसे अपडेट कर लीजिए अगर अपडेट नहीं है तो। अब आपको अपने फ़ोन की फोटोज नाम की ऐप को ओपन करना है। फोटोज नाम की ऐप ओपन हो जाने के बाद आपको सबसे ऊपर में 3 डॉट दिखलाई दे रहे होंगे, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा इस 3 डॉट पर। 3 डॉट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखलाई दे रहा होगा, मैनेज योर लाइब्रेरी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज योर लाइब्रेरी, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। मैनेज योर लाइब्रेरी पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऐड पार्टनर अकाउंट। अगर आपके फोटोज ऐप में इस तरह का इंटरफेस मिलता है तो फिर ठीक है, आपकी फोटोज ऐप्स हैक नहीं हुई है, कोई नहीं देख रहा है, ये बिल्कुल सेफ है। अगर ये ऐप्स में अगर कोई पार्टनर ऐड होता है तो यहाँ पे उसका ईमेल आईडी दिख जाता है और उसके बगल में एक ऑप्शन दिखता है रिमूव का, तो यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करके आप उस ईमेल आईडी को हटा सकते हैं, उस ईमेल आईडी को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों कई बार होता क्या है कि कुछ दोस्त हमसे फ़ोन मांगते हैं कुछ समय के लिए और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देते हैं, जिससे होता क्या है कि आपकी फोटोज ऐप्स की सारी फोटो और वीडियो उनके फ़ोन में दिखने लगती है। दोस्तों ये फोटोज ऐप्स इस तरह से बना है कि हमारी गैलरी की सारी फोटोज खुद ब खुद ये बैकअप लेते रहता है और यहाँ पे गूगल फोटो ऑप्शन देता है अपने पार्टनर के अकाउंट को ऐड करने के लिए। तो कुछ दोस्त यहीं पर इसका गलत यूज कर लेते हैं और अपना ईमेल आईडी डाल के आपकी सारी फोटो और वीडियो देखने लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि कोई ईमेल आईडी ऐड नहीं है और ऊपर में इस तरह का इंटरफेस है, तो फिर ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपकी हेल्पफुल होगी और आपको काम की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।